नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएनएक्स टीवी। मैं हूं आपके साथ निशा। आमतौर पर लोग कहते हैं कि भ्रष्टाचार को तो भगवान भी खत्म नहीं कर सकता। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए कई उपाय सरकार कर रही है, जिसमें लाखों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। आम लोग अपनी जेब से खर्च कर लोगों की मदद कर रहे हैं, लेकिन भ्रष्टाचार करने वाले ऐसे भ्रष्टाचारी मौके का पूरा फायदा उठा रहे हैं। मामला डोंगरगढ़ नगर पालिका परिषद का है, जहां पदस्थ इंजीनियर रितेश कुमार को नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने सस्पेंड कर दिया है। कोरोना वायरस के चलते नगर पालिका परिषद में खरीदे गए सैनिटाइज मशीन एवं लिक्विड खरीदी में तत्कालीन सीओ पूजा पिल्ले एवं इंजीनियर रितेश कुमार का भ्रष्टाचार तब उजागर हुआ जब दोनों मिलकर 12,000 की 3 मशीनों का फर्जी बिल लगाया, 36,000 की जगह 69,000 रुपए का बिल जमा किया। कोरोना काल में स्प्रे मशीन खरीदी में हुई घोटाले के मामले में तत्कालीन इंजीनियर रितेश कुमार को दोषी पाया गया। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के संचालक ने 15 मई को आदेश जारी कर मशीन खरीदने में अनियमितता पाए जाने पर इंजीनियर रितेश कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। इसी प्रकरण में पूर्व नगर पालिका अधिकारी पूजा पिल्ले पर भी अभी कार्यवाही होनी बाकी है। पूजा पिल्ले राजपत्रीय अधिकारी हैं, उन पर मंत्रालय स्तर पर इजाजत लेने के बाद कार्यवाही की जाएगी। हमने इस पर पूरे विस्तार से खबर चलाई थी। वर्तमान सीओ ने मामले की जांच कर दोनों को दोषी पाया था, तब दोनों पर कार्रवाई के लिए उच्चाधिकारियों को रिपोर्ट भेजी थी। बहरहाल अब इस मामले में पूजा पिल्ले पर कार्रवाई का इंतजार सभी को है। डीएनएक्स टीवी के लिए डोंगरगढ़ से सोमेश्वर सिन्हा की रिपोर्ट। संचालक महोदय के द्वारा उनको दोषी मानते हुए सस्पेंड किया गया है रितेश स्थापक उपी अभियंता नगर पालिका डोंगरगढ़ को। सैनिटाइजर में जो मशीन में जो 4,000 का जो मशीन था उसमें 23,000 निकालने की कोशिश की थी, उस मैटर में सर इसमें दोषी तत्कालीन सीएमओ पूजा पिल्ली को भी दोषी पाया गया था सर, उन पर क्या क्या कार्रवाई की? पूजा पिल्ले राज्य नगर पालिका सेवा के अधिकारी हैं, तो उस संबंध में ये अंतिम निर्णय शासन द्वारा ली जाएगी। और ये इंजीनियर था, इस कारण से इनका निर्णय संचालक द्वारा ले लेंगे।